दोस्तों, आप भी अगर फैन रिपेयर करते हो, चाहे सीलिंग हो या टेबल है, कुछ भी हो या कोई भी मोटर हो, अगर आप रिपेयरिंग करते हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि कंडेंसर को चेक कैसे करें, ठीक है। एक ख़राब कंडेंसर और सही कंडेंसर का पहचान करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से कंडेंसर को चेक करते हैं, ठीक है। देख रहे हो, मैंने दो मल्टीमीटर लेके रखा हूँ, एक है डिजिटल मल्टीमीटर और एक है क्लासिक मल्टीमीटर। दोनों मल्टीमीटर में मैं अलग अलग तरीके से चेक करके दिखाने वाला हूँ। और तीसरा, आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने AC 220 वोल्ट का सॉकेट ले रखा हूँ और इसमें भी मैं चेक करके आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से कंडेंसर को चेक करते हैं। ये ख़राब हो चुका है या डैमेज, मतलब पूरा ख़राब हो चुका है या थोड़ा सा ख़राब हो चुका है या बिल्कुल सही है, सारा चीज़ मैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करो, वीडियो को पूरा देखो, तभी आपके समझ में आएगा। तो चलो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैंने कैमरा को सेट कर लिया। अब मैं इस डिजिटल मीटर से मैं यहाँ से जितना भी कंडेंसर है ख़राब को एक साइड में चेक करके लगाएंगे और जो सही कंडेंसर है, जो ठीक है, उसको एक साइड में लगाएं। चलिए, इसको मैं अभी साइड में हटा कर रख देता हूँ और ये डिजिटल मल्टीमीटर में सबसे पहले आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो कंटिन्यूटी मोड पर, आपको कंटिन्यूटी मोड पर रख देना है मीटर को, ठीक है। देख सकते हो मैंने कंटिन्यूटी मोड पर रख दिया। आपको लीड को सटा के चेक कर लेना है। देखिए, अभी आपकी साउंड सुनाई दे रहा है। तो जो सही कंडेंसर है फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बता दूं, जो सही कंडेंसर है वो कंडेंसर इसमें चेक करने पर एक बार बीप का साउंड सुनाई देगा, ठीक है। बारी बारी से चेक करने पर एक ही बार बीप का साउंड सुनाई देगा और जो ख़राब है वो बीप का साउंड नहीं सुनाई देगा। तो चलिए, मैं एक कंडेंसर ले लेता हूँ और मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब देख सकते हो मैंने इसको पहले मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी, देखिए लीड को सटाता हूँ, देखिए बीप का साउंड दे रहा है। अब मैं कंडेंसर को देखिए, आप ध्यान से इसको आवाज़ को सुनिएगा और मल्टीमीटर की तरफ भी ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं एक को लगाया और दूसरा लीड को मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। देखिए देखिए, ये कुछ भी नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। अब दूसरा मैं चेंज करके लगाता हूँ। देखिए देखिए, कोई भी साउंड नहीं है इसमें, ठीक है। आपको अच्छा से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैंने लीड को लगा दिया, देख सकते हो इसमें कोई भी साउंड नहीं है, ठीक है। तो ये ख़राब है, ठीक है। तो इसको मैं ख़राब वाला एक साइड में रख दे, यहाँ पर मैंने रख दिया, ठीक है। अब मैं दूसरा वाला कंडेंसर को ले लेता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए, मैं इस कंडेंसर को ले लेता हूँ और इसे मैं चेक करता हूँ कि ये सही है कि ख़राब है। तो एक लीड को मैंने लगा दिया यहाँ पर, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, और दूसरा लीड को लगाएंगे तो आप देखिएगा मीटर की तरफ, आपको साउंड सुनाई देगा होगा फ्रेंड्स। फिर से मैं इसको चेंज करता हूँ, देखिए लीड को मैं चेंज करके लगाता हूँ और देख सकते हो फ्रेंड्स, फिर से आपको साउंड सुनाई देगा। देखिए, फिर से मैं लीड चेंज करता हूँ तब आपको सुनाई दिया फ्रेंड्स कि यहाँ बीप की साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो ये वाला सही है, तो सही वाला को मैं इधर रख देता हूँ। चलिए, एक साइड में सही वाला को यहाँ पर रख देता हूँ। ये वाला ख़राब है, ये वाला सही है। चलिए, मैं सारा कंडेंसर को फटाफट चेक करके आपको दिखाता हूँ। चलिए, इसको लीड को चेंज करना है फ्रेंड्स, तब आपको सुनाई दिया फ्रेंड्स, ये भी कंडेंसर सही है, देख सकते हो फ्रेंड्स, ये सही है। अब मैं इस कंडेंसर को ले लेता हूँ फ्रेंड्स, कोई भी साउंड नहीं है फ्रेंड्स बीप का, ये ख़राब है, ठीक है। इस कंडेंसर को ले लेता हूँ, ये जो कंडेंसर है फ्रेंड्स, एक तरह से सिर्फ बीप का साउंड सुनाई देता है, तो ये भी ख़राब है फ्रेंड्स, दोनों तरफ से सुनाई नहीं दे रहा। अब ये वाला कंडेंसर को ले लेता हूँ फ्रेंड्स और आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो आपको सुनाई दिया फ्रेंड्स, फिर से मैं इसको लीड को चेंज करता हूं और देखिए दोनों तरफ से ये सुनाई देगा। तो फ्रेंड्स, इसमें तो मैंने चेक करके आपको दिखा दिया। अब मैं आपको डिजिटल क्लासिक मीटर में आपको चेक करके दिखाता हूं फ्रेंड्स कि इसे किस तरह से चेक करते हैं। तो चलिए, मैंने इस मल्टीमीटर को ले लिया यहाँ पर और आप यहाँ पर कांटे को तरह देखिएगा फ्रेंड्स, और अच्छा वाला कंडेंसर को ले लेता हूँ फ्रेंड्स। और अब देखिएगा, मैं अच्छा वाला कंडेंसर को यहाँ पर लगाता हूँ और कांटे की तरफ आप ध्यान से देखिए, एक बार थोड़ा सा उठेगा फिर नीचे आ जाएगा। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स, ये हीला कांटा। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं ये जो सही कंडेंसर है, सभी अच्छे कंडेंसर को आपको चेक करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये कांटा हिलेगा। अब कांटे की तरफ यहाँ पर देखिएगा, देखिएगा मैं यहाँ पर लीड लगाऊँ, हिल गया, ठीक है। तो ये तीनों कंडेंसर सही है,
जो मल्टीमीटर डिजिटल मल्टीमीटर में भी आपको चेक करके दिखाया और क्लासिक मल्टीमीटर में भी आपको चेक करके दिखाया। तो आपने देखा फ्रेंड्स, ये काटा हिला तीनों तीनों कंडेंसर में। अब मैं दूसरा कंडेंसर ले लेता हूँ फ्रेंड्स, जो ख़राब वाला है ये वाला। तो इसमें मैं आपको चेक करता हूँ, तो अब देखिए कुछ भी नहीं हो रहा फ्रेंड्स। चलिए मैं लीड को उल्टा करके लगाता हूँ, तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स ये हल्का सा हिला, मतलब ये तीनों कंडेंसर खराब है, ये तीनों कंडेंसर सही है। अब एसी 220 वोल्ट में किस तरह से आपको चेक करना है कि ये तीनों सही है और ये तीनों खराब है। तो चलिए अभी मैं आपको एसी 200, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने एसी 220 वोल्ट इसमें ले लिया हूँ, ठीक है। और अब मैं एक सही कंडेंसर और ख़राब कंडेंसर को चेक करके दिखाऊँ। तो इधर वाला आप जानते हो फ्रेंड्स कि ये सही है, मल्टीमीटर में चेक करके दिखाया, और इधर वाला ख़राब है। तो एक ख़राब कंडेंसर मैं ले लेता हूँ फ्रेंड्स, और इसको हम डायरेक्ट एसी लाइन में डाल दूंगा। देखिए यहाँ पर डाला, अब देखिए इसका आवाज़ सुनिए, ये एकदम डैमेज है फ्रेंड, बहुत ही साउंड कम है, ठीक है। इसको मैं चेक करके देखता हूँ और एक ख़राब वाला को, देखिए कोई कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं एक बढ़िया वाला कंडेंसर को लेता हूँ और आपको चेक करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो देख सुन सकते हो फ्रेंड्स इसका आवाज, देखा फ्रेंड्स कोई भी अच्छा वाला कंडेंसर को मिल लूंगा, इसका साउंड आप सुन सकते हो। आपको कुछ सेकंड ही यहाँ सटाना है, आप सुन सकते हो फ्रेंड्स। आपको तीनों कंडेंसर चेक करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, देखिए बढ़िया वाला। तो आपने सुना फ्रेंड्स ये तीनों कंडेंसर सही है और ये तीनों कंडेंसर खराब है, जो कुछ भी आवाज़ नहीं हो रहा है। आपको फिर से चेक करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिए खराब वाला एक ले लेता हूँ, देखिए कितना हल्का सा आवाज़ आ रहा है इसमें, और एक ले लेता हूँ, देखिए कुछ भी साउंड नहीं है, पूरा तरह डैमेज है। यार ये हल्का सा सही है, मतलब हल्का सा है, पूरा ख़राब हो चुका है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूले फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच।